जो टॉप टेन की लिस्ट आई इसमें आठ लड़कियां और दो ही लड़के कहा जा रहा है महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है ये और ज़्यादा निम्न है बावजूद इसके लड़कियां आठ आती हैं और लड़के दो क्यों इसका कोई कारण आपके समझ में आया कि ऐसा क्यों ये बहुत अच्छा प्रश्न है प्रसन्नता हमें भी है कि आ, हमारे जो मातृशक्ति हमारे कहा जाता है कि आ, ये नारिश पूजनते तत्र देवता तो ये हमारे यहाँ समाज में महिलाओं का आ, क्या कहते हैं कि भागीदारी उसे पूजनी हमारे समाज में सामाजिक स्तर पर माना जाता है अब तो वो प्रशासनिक स्तर पर भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी हर क्षेत्रों में वो अपना परिचम लहरा रही हैं हम लोग हर्षित हैं प्रसन्न हैं अगर वो प्रथम चार रैंक तक उनका स्थान है तो निश्चित रूप से वो मेहनत की हैं डिज़र्विंग हैं और उनको आवश्यक रूप से उनका एक स्थान बनता है और दस में से आठ लड़कियाँ हैं प्रसन्नता का ज़्यादा विषय है बहुत ज़्यादा हर्ष का विषय है और जहाँ तक आपने पूछी पूछा कि ये कैसा ये परिवर्तन शायद इस तरीके का आपका प्रश्न जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो इससे अच्छी है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से पाँच छः लगभग एक दशक से आप मान करके चलिए कि महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता समाज में भी बढ़ी है हम लोग सामाजिक देखिए अब रिपोर्ट देखिए असर की रिपोर्ट देखिए या कोई भी गवर्नमेंट की एजुकेशन अभी रिपोर्ट आई है उसमें जो प्राथमिक शिक्षा की का औसत दर है वो 96 से ऊपर लगभग 98 पहुंच गया है उनका इनरोलमेंट आप उसके बाद में जो लड़कियों का इनरोलमेंट प्राथमिक स्तर पर भी अधिक रहा है माध्यमिक स्तर पर और सीधे स्नातकीय स्नातक स्तर पर महिलाओं का स्तर ज़्यादा है पुरुषों का कम है यद्यपि आप सही ठीक कह रहे हैं कि आ, अगर लैंगिक अगर अंतर देखा जाए तो उनकी संख्या कम होने के बावजूद और उनका जो विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका योगदान है उनके अचीवमेंट जो उनका है वो बेहतर रहा है और ये प्रसन्नता हर्ष का विषय हम लोगों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए बिल्कुल ये तो अप्रिशिएट करने योग्य है भी साथ ही कहीं ना कहीं चूँकि आज मुझे अवसर मिला है सेकेंड टाइम आप के साथ बात करने का क्योंकि इसके पहले जब आप असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव के पद पर चयनित हुए तब भी आपसे बात करने का मौका मिला ये दूसरी बार आप तीसरा मौका भी देंगे क्या तीसरा मौका अब मैं संतुष्ट हूँ कुल मिला करके एस के पद पर उप जिलाधिकारी के पद पर चयन हुआ है और इस पद पर रहते हुए जो मुझे समाज का एक एक जो मंच मिला है व्यापक स्तर पर समाज के जो गरीब पीड़ित वंचित हैं शोषित वर्ग है जो जो अभावग्रस्त है जहाँ जैसा कि आप मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि मेरी रही है तो अपने इस मूल जो हमने बचपन से देखा हुआ है जो समस्याएं हैं उनसे चूँकि परिचय बहुत गहराई से रहा है तो उन परिचय के माध्यम से हम जो क्षेत्र रहा है उसको इस पद के इस मंच को पा करके और अच्छे तरीके से सेवा से करने का मुख्य अब पूरा ध्येय यही है अब आगे तैयारी करने का कोई आ, नहीं अब तो नहीं है कुल मिलाकर के अब अंतिम रूप से कहा जाए तो जी तो तिवारी जी ये बता रहे हैं आगे तैयारी करने की नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन में कहीं कोई टकराव की स्थिति ऐसा आप पहले से सोच रखे हैं कि ऐसा होता भी है पॉलिटिशियन की दखलंदाजी ब्यूरोक्रेट तक कितने है उससे आप कैसे निकलेंगे कुछ बताएँगे ये जैसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है आ, लोक सेवा है वो क्षेत्र व्यापक क्षेत्र होता है जनता से जुड़ने का और जनता के कष्टों को दूर करने का उनके जीवन को की गुणवत्ता को बढ़ाने का आ, समाज में आ, को उत्कर्ष तक ले जाने का एक ब्यूरोक्रेसी का ध्येय होता है अगर दूसरे बिंदु पर दूसरे आ, अगर एक पैरेलल स्तंभ की बात की जाए तो जो आ, राजनेता होते हैं हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी मूल उद्देश्य यही रहता है कि जनता के जीवन स्तर को उच्च करना उनकी जीवन में की गुणवत्ता को का संवर्धन करना समाज की सेवा करना समाज को उत्कृष्ट स्तर तक ले जाना चाहे वो स्वास्थ्य अन्य क्षेत्रों सारे क्षेत्रों में तो दोनों के जो ध्येय है दोनों को जो साध्य वो साध्य में समानता है तो मुझे नहीं लगता है दोनों के बीच में टकराव आने की स्थिति ऐसी आएगी, अगर आएगी मैंने मेरे से बड़ा अंतर है कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कहीं डिस्क्रिप्टिव है तो छात्र जो आगे प्रयासरत है उनको क्या बताएंगे वो कैसे तैयारी करें कि वो भी ये जान पाएँ कि हम भी इस तरीके से तैयारी करके ये मूल मंत्र है जिससे हम आगे बढ़ लेते हैं सफलता प्राप्त करें तैयारी के मूल मंत्र के विषय में आपने पूछा है प्रश्न तो मैं इसके विषय में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो भी लोक सेवा आयोग चाहे संघ हो या उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है सबसे पहले इसके प्रति संपूर्ण जानकारी हम रख लें जैसे पीटी मेंस इंटरव्यू के इसकी प्रक्रिया उसके विषय में सबसे संबंधित सारी जानकारी प्री मेन्स इंटरव्यू उसका सिलेबस विषय वस्तु अच्छे से उसका अवज्ञान हो उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हमारे होते हैं उनके विषय में हमें जानकारी मूलभूत रूप से मोटे मोटे तौर पर होनी चाहिए इन सारी जानकारी होने के बावजूद आप किसी के मार्गदर्शन में जैसे कोचिंग वगैरह या बड़ों के मार्गदर्शन में रहते हुए उनके टच में रहते हुए और आप एक व्यापक रणनीति बना करके और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से वो उसकी तैयारी करें अब प्रारंभिक स्तर पर अगर आप बात करें तो एन सी की पुस्तकों को ला करके और उसका हम सिक्स छः से लेकर के बारह तक का उसका अध्ययन हम प्राइमरी स्तर पर प्रारंभिक स्तर पर करना चाहिए किसी भी अभ्यर्थी को और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा एनसीईआरटी से ही शुरुआत करें उसके बाद हमें पत्र पत्रिकाओं का रेगुलर अगर करंट अफेयर्स का जहाँ तक की बात है उसकी उपयोगिता बढ़ रही है प्री और मेंस के और इंटरव्यू के स्तर पर सामान्य जागरूकता होनी चाहिए करंट अफेयर्स पर तो आप अगर हिंदी माध्यम से तो हिंदी माध्यम का कोई एक अच्छा अखबार लेकर के उससे आप जुड़ाव रखें इंग्लिश मीडियम चाहें तो वो अपना उस हिसाब से करंट अफेयर्स की मैगजीन को पढ़ते रहें विषय वस्तु को सिलेबस को आप प्री के स्तर पर जहाँ तक बात अगर की जाए तो उसमें तथ्यात्मकता का थोड़ा सा इसमें स्टेट विशेष टी में इसका महत्व रहता है उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए जो कि मुझे गलती हुई तो ये ना हो तो ज़्यादा ठीक है तथ्यात्मक के स्तर पर विश्लेषणात्मक आपकी अप्रोच जो होना चाहिए वो विश्लेषणात्मक होना चाहिए गंभीर होना चाहिए समीक्षात्मक दृष्टि होनी चाहिए ऐसा नहीं कि जो है एक ऊपरी सतही तौर पर उसको पढ़ करके एक मोटी सामान्य उदाहरणा नहीं बनानी चाहिए अवधारणा आपकी स्पष्ट हो तथ्यात्मकता का समुचित आपके अंदर जो है वो अवज्ञान होना चाहिए ये पीटी और मेंस के अलग अलग स्तर पर इसकी उपयोगिता रहेगी और लास्ट में साक्षात्कार में शुरू में इसकी कम्पो इंटीग्रेटेड तैयारी साथ में पीटी मेंस इंटरव्यू सब इसका अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं कि पहले प्री का कर रहे हैं फिर प्री पढ़ लिए तथ्यात्मकता फिर मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए आप तीनों को साथ में मिला करके कंपोजिट इंटीग्रेटेड मैनर में इसकी तैयारी करेंगे और फिर लास्ट में इसका लेखन का अभ्यास मैं बताना चाहूँगा इसमें मेन्स के पेपर में लिखित परीक्षा होती है इसमें खूब लेखन का अभ्यास करें शुरुआत से ही इसका होता है संदीप जी क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि अभी दो का जो चैन होता है इनमें सबसे ज़्यादा सोशलजी फिलासफी और हिस्ट्री इनके छात्र ही ज़्यादा सफल हो पा रहे हैं कौन से क्या कारण है कि इन्हीं के छात्र ज़्यादा सफल हो पा रहे हैं और क्या ऐसे दूसरे भी सब्जेक्ट नहीं हैं जिनसे ज़्यादा सफलता पाई जाए या इनमें से किनको चुना जाए ज़्यादा सफल होने के लिए टीज़ के जो नॉन ह्यूमिनिटीज़ के जो स्टूडेंट थे स्पेरेंट थे उनको ज़्यादा कामयाबी मिलती थी मतलब और हमारे ह्यूमिनिटीज़ के सब्जेक्ट थे उसमें उनका स्तर कम था इस बार के परीक्षा परिणाम में देखने को मिला है कि ह्यूमिनिटीज़ के सब्जेक्ट को भी काफ़ी सराहा गया है और काफ़ी अच्छा अच्छा रिजल्ट इसका मिला है तो आप पूछ रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट तो मैं कहना चाहूँगा सब्जेक्ट लगभग इस समय जो हम परीक्षा परिणाम अभी अच्छे से देखा नहीं है लेकिन जो जितना भी मैंने देखा है तो उसमें आप सोशियोलॉजी सामाजिक सोशियोलॉजी फ़िलोसफी और पी एस आई आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतिहास हिंदी ये सब्जे सब्जेक्ट जो है डोमिनेंट रहे हैं इसमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं तो अगर यहाँ चुनाव जहाँ तक आप बता रहे हैं कि आप सॉरी जहाँ तक आप पूछना चाह रहे हैं कि मुझसे कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट जो है इसमें चूज किया जाना चाहिए चैनिज किया जाना चाहिए तो ये बेहद आप कह लीजिए कि एक आत्मनिष्ठ प्रश्न है ये डिपेंड इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं आ, ब, आ, किसी एस्पिरेंट की अभिरुचि और उसका बैकग्राउंड की स्नातक में वो उसका सब्जेक्ट क्या रहा है अभिरुचि क्या रही है और उसमें मार्क्स की संभावनाएँ कहाँ बनती हैं जी में कहाँ पर आ, क्या कहते हैं जी में कितना सब्जेक्ट जो है वो उसकी महत्व तो, उसका महत्व तो जीएस में मिल जाएगा ये बहुत सारे फैक्टर मिल करके आ, ये तय करते हैं कि आप कौन सा जो है आप वैकल्पिक विषय चुने और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दो जो अगली जो चौदह मई को परीक्षा होने जा रही है इस परीक्षा में वैकल्पिक विषय को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया तो अब ये झंझट एक्सपिरंट और को नहीं रहेगा रह, रहना चाहिए कि हाँ हमें वैकल्पिक विषय चुनाव का चुनाव करना चाहिए जो अभी मैं पूर्वोत्त बातें किया हूँ वो यू के संदर्भ में बात किया हूँ ये ध्यान रखा जाना चाहिए और वैकल्पिक विषय कोई रखना अनिवार्य नहीं है बाकी दो सब्जेक्ट जो नए जुड़े हैं जो सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश के वो जीएस एस फिफ्थ और सिक्स पेपर के रूप में जुड़े हैं तो इन पर अगर ये चूंकि अब ये 2023 में जो भैया व्यर्थी जिनसे सामना करना पड़ेगा मेंस के पेपर में वो उनका पहली बार ऐसे इसका सामना करना पड़ेगा तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा जो नए व्यर्थी 2023 में परीक्षा देने जा रहे हैं बैठ रहे हैं उसको पी के स्तर पर चौदह मई के एग्जाम में भी वो खूब तथ्यात्मकता का को ध्यान में रखें पंद्रह से बीस क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है चौदह मई को एग्जाम में तो इसकी गंभीरता को समझा जाए और मेंस में भी दो पेपर जुड़े हैं चार सौ नंबर रहेगा तो ये गंभीर होकर के अब उत्तर प्रदेश पर लगना है लेवल प्लेंग, प्लेंग फील्ड मिली मिली है हिंदी माध्यम के छात्रों को तो विशेष रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए और ह्यूनिटीज और नॉन ह्यम्यूनिटीज़ का जो झगड़ा था वो लगभग लगभग समाप्त होने की पूरी उम्मीद है स्केलिंग और मॉड्रेशन वाली स्थिति अब नहीं बनने बनेगी समाज में चूँकि अब मैं आज अ डिप्टी कलेक्टर क्या प्राथमिकता होगी समाज को दिशा देने के लिए कहाँ कौन सी कमी आपको नज़र आ रही है क्या करेंगे कि जिससे जो है समाज और बेहतर हो अच्छा प्रश्न है मैं जहाँ पर देख रहा आ, हमारी जहाँ तक मैंने जहाँ तक देखा है तो एक प्रशासन और एक आम आदमी जो आम व्यक्ति है उसके बीच में गैप ज़्यादा है अंतर ज़्यादा है प्रशासन के व्यक्ति तक जो आम आदमी तक पहुँच प्रशासन की कम हो पा रही है या कह लीजिए उतना जितना आवश्यक है उतना नहीं पहुंचा पा रही मेरी प्राथमिकता ये रहेगी प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं प्रशासनिक सेवा है प्रशासनिक जो डिलीवरी है मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म के माध्यम से हम जनता के स्तर तक जुड़ेंगे उनके ज़मीनी स्तर तक जुड़ेंगे उन तक पहुँचने का प्रयास करेंगे ताकि उनको ये महसूस हो कि हाँ हम प्रशासन से डायरेक्ट हमारा लगाव है और हम वो उनके अंदर से अपने आप को लोकतांत्रिक होने का अनुभव होने का उनको अनुभव हो सके और उनको अपने खुद को जुड़ा हुआ महसूस होना ऐसे उनको ऐसा महसूस हो उनको सारे सारी योजनाएं जो आ, उत्तर प्रदेश जो हमारी सरकार भारत उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं हैं उन तक समयबद्ध तरीके से पहुँचे और जिसको जिनको जरूरत है उन तक पहुँचे और जो लाभार्थी जिनको बहुत ज़्यादा परेशान हैं वंचित हैं जिनको प्राथमिक रूप से पहले मिलना चाहिए उनको मिले ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रयास ये रहेगा कि उन तक पहुंचा जाए और बिना देरी की हुए बिना वेट की हो कि जैसा कि हमारे प्रशासन आपके द्वार ए, सुशासन की जो अवधारणा है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तो उसी अवधारणा के तहत काम करते हुए और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास हमारा रहेगा इस एक और सवाल चाहूँगा क्योंकि करप्शन कहीं पॉल्यूशन की तरह जन जन तक पहुंच चुका है हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करके वर्तमान सरकार पुनः सत्ता में आती है क्या मानते हैं करप्शन को रोकने में आप लोग कहाँ तक सफल होंगे यहाँ पर जहाँ तक करप्शन की बात कर रहे हैं बड़ा ही ये विचारणीय विषय है और करप्शन तो एक इसको नकारा नहीं जा सकता है बिल्कुल भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है और इस पर काम किया जाना चाहिए भ्रष्टाचार को और पूरी तरीके से इसका निर्मूलन आवश्यक समाज से भी और जहाँ जिस स्तर पर भी है व्यापक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है इसको भ्रष्टाचार जन जागरूकता भी आए अपने आत्म जागरूकता भी बढ़े हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि भ्रष्टाचार ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है देश के लिए ठीक नहीं है हमारे प्रशासन के लिए भी ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए खतरा है हमारे परिवार के लिए खतरा है और हमारा इस तरीके से एक भी हर एक व्यक्ति इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि स्वयं एक स्वस्थ अपने आप को मनोस्थिति में रखते हुए और एक ईमानदारी पूर्वक खुद काम करें और एक स्वस्थ जो कार्यालय जो वातावरण है उस वातावरण को बनाते हुए एक स्वस्थ वातावरण बनाते हुए और एक प्रेरक के रूप में स्वयं अपने स्वतः स्वयं से जो कि अभी तक मेरा जीवन रहा है और आगे भी इसको ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हुए और लोगों को प्रेरणा प्रेरणा स्वरूप जो है अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए यह था जैसे कहा गया गीता में भगवान श्री श्री कृष्ण का कथन है कि इन गतः सापन था अगर जो आ, ब, आ, कुछ सीनियर वरिष्ठ लोग अगर ऐसा इस रास्ते पर चलते हैं तो भी जनता भी उसका जो है पथ गमन करती है उसका जो है उसी रास्ते पर चलते हुए अगर हम चलेंगे तो जाहिर सी एक स्वस्थ वातावरण समाज में हम जहाँ भी रहें वहाँ एक स्वस्थ वातावरण बना करके चलें छोटे छोटे एक इस तरीके से अगर हम कदम उठाते हैं तो छोटे ही छोटे प्रयासों से ही पूरा समाज आगे चल करके धीरे से एक अच्छा और आ, स्वस्थ और प्रांजल समाज का निर्माण होता है संदीप जी आप समाज को या आगे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे जहाँ तक मैं एक आम नागरिक के रूप में और एक चयनित एक अभ्यर्थी के रूप में मेरी दोनों स्तरों पर मेरा एक समाज को संदेश देने का की बात आती है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो समाज को शिक्षा पूरी तरीके से एक ज़िम्मेदार एक भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने आपको आप को जो है समझना चाहिए और एक लोकतंत्र लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में उसके जो अधिकार हैं कर्तव्य हैं उस अधिकार और कर्तव्यों का बोध होना चाहिए उसकी उसका जो है अधिकारों के प्रति जागरूकता भी होनी चाहिए जागरूकता का मतलब ये है कि हम हमारा दायित्व क्या है समाज में समाज के एक महत्वपूर्ण घटक हम हैं हम लोकतांत्रिक एक भारत के एक लोकतांत्रिक देश के महत्वपूर्ण घटक हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है हमारे समाज के प्रति परिवार के प्रति राष्ट्र के प्रति देश के प्रति हर स्तरों को समझते हुए और एक आदर्श लोकतांत्रिक जो है नागरिक के रूप में आदर्श नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का जहाँ जिस भी आ, मंच पर जिस भी ओकेशन okay, परिवार में रहे तो वहाँ भी समाज में रहे वहाँ भी अपना उद्देश्य ईमान अपना जो है ईमानदारी पूर्वक अपने जो है अपना कार्य करना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक जिस भी जहाँ भी हैं उस कार्य को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी पूर्वक नागरिक धर्मिता के साथ आ, पूरी तरीके से करने का प्रयास किया जाना चाहिए मेरा ही संदेश है चाहे वो छात्र हैं तो छात्र जीवन में अपने आप को उत्कृष्ट पढ़ाई में योगदान के माध्यम से वो अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं अगर एक कृषक समाज है तो अच्छे एक कृषक के रूप में एक ईमानदार कृषक के रूप में लगते हुए अपना जो है वो कार्य कर सकता है अगर एक इंटरप्रेन्योर है तो इंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में भी वो अपने पूरी लगन के साथ एक आदर्श नागरिक के रूप में एक देश के निर्माण में अपनी भूमिका इस तरीके से चाहे नागरिक जो जो भी समुदाय या संगठन है या इंडिविजुअल व्यक्ति है सब अपने अपने क्षेत्रों में रहते हुए उत्कृष्ट योगदान एक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका देते हुए कर सकता है आप है थे संदीप कुमार तिवारी जी जिन्होंने टॉप टेन में जगह बनाई और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए समाज के लिए जहाँ खुद एक सेलिब्रिटी बने एक प्रेरक बने क्योंकि आज कोई भी सफल होता है तो वही लोगों के प्रेरणा का स्रोत होता है तो कहीं आप जहां प्रेरक बनते हैं लोगों को एक मैसेज भी देने का प्रयास किया कि किस तरह ईमानदारी से आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको निरंतरता बनाए रखना चाहिए कि जिससे आप में नकारात्मकता ना आए सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैसे आप आगे बढ़ें टी न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी